वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज हो रही है 30 अक्टूबर और फाइनली आज हम लोग का है कॉलेज में फेयरवेल। तो फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं, अभी मैं हूँ तालाब वाले रास्ता पर, यहाँ पर वेट कर रहा हूँ संदीप का, वो आएगा उसका साथ में हम लोग बाइक से जाएंगे। तो फिलहाल देख पा रहे बाइक यहाँ लगा हुआ है, तो उसका आने का वेट करते हैं क्योंकि कॉलेज हम लोग यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, जैसे कि आपको पता ही है 1 किलोमीटर कॉलेज होगी। तो बस संदीप का वेट कर, यहाँ से संदीप को लेंगे, उस पर फिर यहाँ से डायरेक्ट निकलते हैं हम लोग कॉलेज के। और फाइनली कुछ आज मेरा लुक देख पा रहे हैं आप, कुछ इस तरह का लुक है और साथ में मेरा बैग भी है जो कि ट्राइपॉड वगैरह बहुत कुछ रखा हुआ है, वहाँ पर भी सूट होगा कॉलेज में भी। तो ब्लॉग में बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है आज का भी। तो चलिए फटाफट से यहाँ निकलते हैं डायरेक्ट हम लोग कॉलेज के। और फिलहाल संदीप आ ही चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद कैमरा में आपको नज़र नहीं आएगी बट आ चुका है। अब यहाँ से निकलते डायरेक्ट हम लोग सीधे कॉलेज की ओर। बहुत कोई आएंगे, बहुत किसी से मैं आपको भेंट भी कराऊंगा, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं सारे फ्रेंड्स आएंगे, तो हर किसी से मैं कोशिश करूंगा भेंट कराने का। तो बने रहिए ब्लॉग पर, और हाँ अगर ब्लॉग पसंद है तो ब्लॉग को लाइक जरूर कर दीजिए। तो फाइनली अभी हम लोग कॉलेज कैंपस पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पर सारे पंटर लोग हैं, मैं एक करके सबसे आपको भेंट करवाता हूँ कौन यहाँ पर है कौन नहीं है। संजय भैया आज मेरे कॉलेज में सबसे डिफरेंट लग रहे हैं, है कि नहीं? क्या डिफरेंट है? थोड़ा इधर से फेयर हैंडसम बोल देना। अरे फेयर हैंडसम का ये सब कमाल है, है कि नहीं? और आइए आइए सर, अंकुश सर भी कुछ बोलेंगे। हमारे भागा माइनिंग का चहिता लड़का, आप लोग सब देख रहे हैं ना, ब्लॉगर ब्लॉगर बन गया, बहुत अच्छा नाम कमा रहा है, बहुत अच्छा सीएससी को लेके हम लोग आगे बढ़ाया है कॉलेज को। बहुत अच्छा, अगर लाइक करें सब्सक्राइब करें और भी बहुत ज्यादा प्यार दे हमारे संजय को, थैंक यू। तो चलिए थोड़ा देर में हम लोग फाइनली, बोलो 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 बोलो, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर दे इसका वीडियो को, आगे से आगे बढ़ाए, बहुत आगे देखिए और भी मजा आएगा। संजय भैया हम काम का बात बोलेंगे, हमारे जो दोस्त है संजय, इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। आप पूछेंगे क्यों, क्या योगदान है इनका कॉलेज में? आखिर ये लेटर एंट्री है वो मतलब नहीं है, पर हमारे मेमोरीज को एक वीडियो फॉर्मेट में अच्छी तरीके से सेव करने का काम यही करते हो, हम इन पे प्राउड है कॉलेज के स्टूडेंट होते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो थोड़ी देर में फाइनल हम लोग जो फाइनल मेन लोकेशन है वहाँ पर जाने वाले, तो वो भी आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद हम लोग जो शूट होगा वो सारे आपको सेम टू सेम वही लोकेशन मिलेगा जिस लोकेशन में लोग जाएंगे। क्या क्या फंक्शन होगी नहीं होगी सारे के सारे इस वीडियो में आने वाली है, और इसमें मैं कुछ भी सॉन्ग वगैरह को चेंज नहीं करूँगा, चाहे कॉपीराइट क्लेम आएगी तो आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेमोरीज है हम लोग का मेमोरीज कैप्चर होना चाहिए, ये मेन मोटो है। तो चलिए फिलहाल थोड़ी देर में हम लोग निकलते हैं डायरेक्ट वहाँ पर। तुम आगे जा। अरे ये हमारे युवराज सिंह जी, सबका आ जाएगा एकदम अपनी ब्लॉक पे आ जाओ। बोल दिया इसे पहले हम सर, अच्छा बोला, ब्लॉग बनना चाहिए सर। एकदम
संध्या का शुभ आरंभ मुझे लगता है कि हमारे अतिथिगण का आशीर्वाद, उनका विश्वास और उनकी इच्छा से मुझे नहीं लगता कि ये संपूर्ण हो पाएगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे अतिथिगण, श्री प्रिंसिपल सर, सबसे पहले दो शब्द हमारे सभी सीनियर्स के लिए और हमारे इस कार्यक्रम की उद्घोषणा के लिए दो शब्द आप कहें सर, और उसके बाद सर बहुत शुक्रिया। कोयला निकालते तोड़ते तोड़ते अभी हाथों में कोहिनूर होना चाहिए।
कोई माइंड सोच के आया, कोई कंप्यूटर सोच के आया, कोई रूट सोच के आया, सबके मन में कॉलेज के प्रति एक अलग भावना थी। तो चाहत जो है सर, जो डिजायर जो है ना, उसके ऊपर दो शब्द कहना चाहता हूँ। श्री हरिवंश राय बच्चन जी की दो ऐसी लाइन है सर जो मैं सुनाना चाहता हूँ और आज के इस कार्यक्रम का आगाज इसके बाद करूँगा सर। वो कहते हैं कि एक दिन बैठा समंदर तीर पर सुन रहा था बुलबुले की मैं कथा, एक दिन बैठा समंदर तीर पर सुन रहा था बुलबुले की मैं कथा, एक कागज की कश्ती थमी दिखे जिसमें मुझे दिखी पहाड़ों की रेखा। देख मुझे अचरज हुआ कि चल रही है किस तरह हुआ धार में, सीनियर्स के साथ कुछ इस तरह की बॉन्डिंग में कुछ इस तरह का इंटरेक्शन तो यार है।
Oh,